हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये जो गाड़ी वाली और सीताफली के ये जो तोरिया हम बोलते हैं उसको ठीक करने का। कर्मा और इसको अलग से पानी मिलेगा, जीरे को इतना पानी नहीं चाहिए, इसको पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए। पहले इसमें से ये जो कांस है यहाँ पर जो कि उगी है वो पापा निकालते जा रहे हैं, साथ में मेरी कोठारी वहाँ पर पड़ी है। परिक्रमा और उसके साथ दूसरा एक वर्कर आया है, वो दोनों ये इसमें से मिट्टी निकाल के ये जो पारियम बनाते हैं वो बनाते जा रहे हैं। और जीरा भी एकदम अच्छे से उग गया है। ये देखो ऐसे ये तोरिया बना रहे ताकि इसमें जो मोटर का बड़ी मोटर है उसका पानी इसमें जा सके, वरना क्या है इस ये जो पारी है वो टूट जाएगी। जब इसमें पानी जाएगा तब इसलिए इसको थोड़ा सा ये पारी को मजबूत करना पड़ता है। और धनिया भी बहुत अच्छी और धनिया भी बहुत अच्छे से उग गए हैं, दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ तक चीरा है, ये यहाँ तक चीरा है और यहाँ से फिर धनिया स्टार्ट होते हैं। किसे अच्छे से उग गए धनिया सारे। नींबू भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इधर भी करने पड़ेंगे हमें, ये नीचे वाले खेत में भी देखो इससे अच्छे से होते जा रही है। ये वाले इसमें भी करने पड़ेंगे हमें। ये देखो आम भी कैसे अच्छे से एकदम बड़े हो रहे हैं अभी। ये सारे केसर है, उस वाले में भी है थोड़े से। इस वाले खेत में अभी और आम लगाने हैं, बाद में देखते हैं। अगर इसमें को चारा वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो इसमें सुबह में आम लगा देंगे। यहाँ पर बीच में एक और आम की ऐसे हायरम बोलते हैं वो आ सकती है यहाँ पर, यहाँ ताकि वो नारियली को भी कुछ ना वो हो और आम भी एकदम अच्छे से ऊपर बड़ा हो सके। तो यहाँ पर एक और आ सकती है, तो फिर वो अभी तो देखेंगे। क्योंकि अगर नारियली बड़ी हो जाएगी फिर भी हम अगर बीच में आम लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं, तो फिर देखेंगे ये अगर करना होगा तो। ये आम भी एकदम अच्छे से बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। ये सारे छोटे और इधर वाले जो ये दो है वो बड़े और उसके बाद जो वापस दो है वो उससे छोटे हैं। और ये कहीं कहीं पर दो दो आम भी उगे हैं, फिर वो एक गुटली में से उगे या दो गुटलियाँ लगाई थी वो मुझे याद नहीं है। ये वाला पता नहीं क्यों सूख गया है। यहाँ पर भी दो आम है। मम्मी पता नहीं इधर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें जो घास थी वो निकाली थी तो वो भरना रह गई थी, तो अभी इतना बड़ा घास हो गया है तो अभी भर रहे। अभी क्या उसको भरना। अरे ये रजका भी अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन जब ये पहली बार हम इसे काटते हैं तब ये इतना बड़ा नहीं होता। जब वो दूसरा वाट हम बोलते हैं वो जब आता है ये तब बड़ा होता है अच्छा से।
ये पता नहीं सूख गया है या सूख तो गया है, लेकिन ये वापस पता नहीं इसमें से नई कलियां निकलेंगी या नहीं, क्योंकि नए पत्ते निकलेंगे या नहीं, कलियां तो वो फूल की निकलती हैं। इसमें से कुछ कुछ जो है वो यहाँ पर हमारे नहीं होते होंगे तो वो सूख गए हैं दो तीन। देखो हवा कैसे चल रही है एकदम। और ये पता नहीं है नींबू है या संतरा है या क्या है, इसमें पता नहीं कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये। इधर है जटायु, जटायु वहीं पर खड़े रहो। ये देखो ये हम कल बना रहे थे ना, तो ये देखो कैसे एकदम बन गया, पूरी तरीके से नहीं बना है अभी इसमें, बाकी है बनना अभी। यहाँ पर ये जो सायरम बोलते वो आएगी, फिर यहाँ पर एक जो ये कपड़ा हम मूंगफल के ऊपर ढकते हैं वो यहाँ पर ढक देंगे, फिर से वहाँ पर ढका है वैसे, और ये यहाँ पर ऊपर भी जैसे यहाँ पर ये पूरा रखे वैसे इधर भी रख देंगे। फिर काम चल रहा है गायों को पानी पिलाने का, यहाँ पर है अर्जुन। पपी कहीं है, क्या नहीं करो। सुशी ये देखो ये डॉन है, ये हमारे घर की डॉन है। सब लोग इससे डरते हैं सब, क्यों? मैं सारी गायों में से सबसे बड़ी ये है वैसे हाइट में भी और वैसे शरीर में भी, क्योंकि इसका सिर वगैरह इसके सींग सब कुछ ऐसे है तो सबको इससे डरना पड़ता है। ये इसमें पानी दिया है ना तब से इसमें ये कांस बढ़ गई है नारियलियों में, क्योंकि जब पानी देते हैं और इसमें कुछ लगा नहीं होता तो उसमें कांस उगी जाती है, इसलिए हम खेत में कुछ भी कोई भी फसल लगाने से पहले एक बार पानी देते हैं, ताकि जो घास उगनी होती है वो उग जाती है और बाद में हमें उसको निकालवाने के पैसे ना देने पड़े। उसके बाद फिर हम जो भी फसल हमें लगानी है उसके बीज हम लगा देते हैं ताकि घास ना हो। तो भी यहाँ पर काम चल रहा है हमारी मूंगफली का, छोटों का छीटा होता है जो निकालने का, ये अभी ऑटोमेटिक ये कर दिया है सारा। ये जो डिब्बा जैसा दिख गया आपको बड़ा सा, इसमें अंदर मूंगफली जाती है, फिर कैसे होते वहाँ पर खाली मूंगफली का वो छिलका निकाल देता है, उसमें निकल गया वहाँ से निकल गई। ऐसे दो है जो तो धाना बोलते हैं जिसकी होती है मूंगफली का तेल निकलता है, वो भी दो है और फिर यही है जो कि दो साल से नहीं गया, लेकिन किया होगा देखिए मतलब चेंज किया हो तो मुझे नहीं पता कि पापा गए तो वहाँ पर शोर बहुत हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं था, कुछ नहीं हो सकता कभी तो यहाँ पर निकल रहा है तेल, जो भी जो मूंगफली में से निकला हुआ तेल है जो वो अनफिल्टर्ड है, अभी ये फिल्टर होगा। ये पूरा तो कर
निकाल निकालते यहाँ से आए मूंगफली इसके अंदर से थोड़े बोल के वो बनता है यहाँ पर मूंगफली चाह रही है ना वहाँ पर। और अगर आप में से किसी को तेल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, मैं उस नंबर कर दूँगा। मैंने दो तीन दिन में बोला था लेकिन वो उस नंबर खुल गया था कौन है उसे आ रहा है। अगर आप में से किसी को तेल चाहिए मैं 15 लीटर का बोल रहा था लेकिन पापा ने बोला कि वहाँ पर वो किलो के हिसाब से हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा तो इसलिए मैंने बोल रहा 15 किलो के दिन में क्योंकि देखो तो इतनी ज़्यादा हो जाता है किलो में थोड़ा सा तो इसलिए। और प्राइस के लिए आपके जो नंबर एक होगा इसमें आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो तेल आ रहा है ये आ रहा है फिल्टर तेल मूँगफली का। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो घूम के हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा खराब हो चुके थे। ठीक है, कल बाय बाय।